अनुपमा में अनुपमा के प्यार का इजहार करने में मालविका करने वाली है मदन। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलता है कि भाई अनुपमा अनु से प्यार करने लगी है, लेकिन कोई ना कोई रीजन की वजह से वो अपने दिल की बात कह नहीं पा रही है। लेकिन अब जल्दी कुछ ऐसा होगा कि मालविका के सामने आ जाएगा सारा सच। दरअसल अनुपमा अब डिसाइड करती है कि उसने कई बार मुंह पर कहने की कोशिश कर ली, लेकिन वो कह नहीं पा रही है। तो इससे अच्छा है कि मिस्टर शायर को यानी शायर कपाड़िया को शायरी के जरिए ही ये सब कुछ दिल की बात कही जाए। तो भाई अनुपमा डिसाइड करती है और दिल की बात कहने के लिए शायरी का सहारा लेती है। भाई अनुपमा बहुत ही प्यारी सी शायरी लिखकर अनु से अपने दिल की बात कहने का डिसीजन लेती है। तो देखने को मिलता है कि क्रिसमस पर अनुज भी उसका हाथ थामते नजर आता है, लेकिन अब अनुपमा अपने दिल में क्या है वो भी अनुज से कहना चाहती है, तो लिखेगी एक बहुत ही प्यारी सी शायरी, और वो भी किसी और से नहीं अनुज की ही डायरी से चुरा कर। जी हाँ दोस्तों, देखने को मिलने वाला है कि अनुपमा अनुज के घर में ही रह रही है, और इतने सालों से 26 सालों से जो अनुज लिख रहा है शायरी, उसी शायरी में से जो पहली शायरी अनुपमा के लिए लिखी जाती है वही शायरी अनुपमा अनुज के लिए सुनाती है। ये सुनकर अनुज के होश उड़ जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले देखने को मिलेगा कि ये शायरी जो वो लिखने वाली है वो अनुपमा दूसरे पेपर में लिखेगी, जिससे कि यहाँ पर मालविका उसे देख लेती है, और मालविका यहाँ पर देखती है कि अनुपमा कुछ करने की कोशिश कर रही है, अपने दिल की बात कहने की कोशिश कर रही है। तो मालविका उसे पकड़ लेती है और अब अनुपमा यहाँ पर शर्माते नजर आएगी, जिसके बाद मालविका उसकी मदद करने वाली है, जैसे कि तोशु की मदद करी थी अनुपमा से माफी मांगने में। तो भाई मालविका यहाँ पर अनुपमा की मदद करने के लिए कहती है कि शायरी से बेटर तो और तो शायर कपाड़िया को कुछ भी अलग तरीका पसंद नहीं आएगा, तो ऐसा करते हैं तुम्हारी यादों में जो डायरी लिखी गई है उसी डायरी में से चुराते हैं, जिसके बाद यहाँ पर इजहार करेंगे। तो भाई न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट की जाएगी अब अनुपमा सीरियल में, जहाँ पर अनुपमा अनुज की ही डायरी में से मालविका की मदद से निकालने वाली है शायरी और पढ़ने वाली है सबके सामने, जिससे कि अनुज के होश उड़ जाते हैं और अनुज को याद आता है कि ये शायरी तो वही है जो उसने पहली बार अनुपमा के लिए लिखी थी, और अनुज को समझ आ जाता है कि अनुपमा के दिल में उसके लिए प्यार जाग उठा है। तो भाई अनुपमा तो अपने प्यार का इजहार सबके सामने कर ही देगी। अब देखते हैं कि बा को ये चीज पसंद आती है या नहीं, क्योंकि बा को अनुज और अनुपमा की शादी से काफी ज्यादा ऑब्जेक्शन है। अब देखते हैं कि बा को कैसे बापूजी मनाते हैं। फिलहाल अनुपमा को प्यार का इजहार करने में मालविका मदद करने वाली है और अनुज को सबसे बड़ी खुशी मिलेगी।